जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। केवीएस में पीआरटी, टीजीटी व पीजीटी की भर्ती आखिर कब आएगी व इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। आपसे आग्रह कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको पता है कि केवीएस में काफ़ी लंबा इंतज़ार हो चुका है, पीआरटी टीजीटी की अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के लिए राहत भरी खबर 2020 में आने वाली है। आपको बता दें कि केवीएस के जितने भी स्कूल हैं और जहां पर टीचर्स की कमी है वहां पर एडजस्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स की भर्ती जो है की जा रही है, इंटरव्यू बेस पर भर्ती की जा रही है। कह सकते हैं कि स्कूलों में टीचर्स की कमी न हो, बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसी के कारण वहाँ पर अनुबंध के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स की भर्ती की जा रही है। लेकिन परमानेंट वैकेंसी से संबंधित आपको हम बता दें कि पूरे देश में 4 से 4,500 पदों पर जो है केवीएस में टीजीटी और पीआरटी की भर्ती होनी है और ये नोटिफिकेशन अगस्त तक आने की संभावना है, अगस्त के महीने तक आने की संभावना है। अगर अगस्त के महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आपका मान लीजिएगा नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और कह सकते हैं कि इस भर्ती का पूर्ण रूप से प्रारंभ कह सकते हैं कि 2021 में कर दिया जाएगा। 2021 यानी 1 अप्रैल तक जो है ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। आपको पता है कि केवीएस का लंबा प्रोसीजर होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट इंटरव्यू भी होता है और धीरे धीरे करके सिलेक्शन किया जाता है। तो अगस्त के महीने तक केवीएस की 4 से 4,500 पीआरटी टीजीटी भर्ती आने की पूर्णतः संभावना बनी हुई है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से केवीएस के स्कूलों में टीचर्स की कमी है उसके आधार पर यह आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है। जॉब और जॉब से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। धन्यवाद। यदि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।